और हम जा रहे हैं सुंदोला बाखल ग्राम सभा में, तो रास्ता भी ऐसा ही हो रखा है जंगल का ही, क्योंकि यहाँ पूरा एरिया ही जंगल का है, तो रास्ता भी जंगल का है। वैसे रोड तो है पर कच्ची है, तो इस वजह से, और फेर भी है उसमें, तो इस वजह से हम रोड में गए नहीं हैं। नमस्ते, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज खूबसूरत नज़ारों के साथ। बने रहे ब्लॉग में और देखते हैं आज तक कहाँ तक जाते हैं हम लोग। तो और ये जो उस पर पहाड़ी दिख रही है वो पूरा कुमाऊँ का है, ये पूरा एरिया कुमाऊँ का है, और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ है गढ़वाल का। तो आज हम कुमाऊँ और गढ़वाल के बॉर्डर में जा रखे हैं, और उस साइड दिख रही है हिमालय की चोटियाँ, थोड़ी बहुत ही दिख रही है क्योंकि धुंध है, धुंध हो रखी है तो थोड़ी बहुत ही दिख रही है। और अभी हम पहुंच गए हैं किनगोड़ी में, तो ये है किनगोड़ी का जनता इंटर कॉलेज का गेट, और यहाँ वैसे मार्केट तो नहीं है पर एक ही दुकान है और कुछ ऊपर है, तो इस वजह से तो यहाँ से एंट्री कर। और हम जा रहे हैं सुंदोला बाखल ग्राम सभा में, तो रास्ता भी ऐसा ही हो रखा है जंगल का ही, क्योंकि यहाँ पूरा एरिया एक जंगल का है, तो रास्ता भी जंगल का है। वैसे रोड तो है पर कच्ची है, तो इस वजह से, और फेर भी है उसमें, तो इस वजह से हम रोड में गए नहीं हैं। ये देखिए, वैसे तो खड़ंजाई है ज़्यादा, वैसे नहीं है, पत्थरों का ही है, रास्ता भी ऐसा ही है, और सारा जंगल का ही रास्ता है। पता नहीं कहाँ तक होगा, पहली बार ही जा रही हूँ मैं भी। वैसे एक बार तो रोड के रास्ते गई थी, पर वैसे पहली बार ही जा रही हूँ इस रास्ते को। और बाकी एक दोस्त थी वो पीछे से आ रही है, और सब लोग भी पीछे से ही आ रहे हैं अभी। और कई लोगों के कमेंट आए थे कि गढ़वाली में बनाना वीडियो, तो कोशिश करूँगी कि अगली बार जो भी वीडियो आए वो गढ़वाली में आए। इसलिए नहीं बनाती मैं गढ़वाली में, क्योंकि अधिकतर सब्सक्राइबर हमारे जिनको गढ़वाली समझ नहीं आती, तो इस वजह से हिंदी में ही बनाना पड़ता है। तो अगली वीडियो आपको गढ़वाली की मिलेगी। जहाँ तक हम पहुँचे वहाँ तो था ही नहीं सुंदोला बाखल, शायद उससे नीचे एवल उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि नीचे है, तो इससे नीचे ही है। ऊपर से तो रास्ता बड़ा अच्छा दिख रहा था, अब तो दोनों साइड झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। यहाँ से हैं दो रास्ते, एक ऊपर को एक नीचे, तो जाना कहाँ है। तो हम चले गए हैं सीधे वाले रास्ते पे, देखते हैं तो कहाँ पहुँच। और ये है ग्राम सभा सुंदोला बाखल, और जो वो वाला दिख रहा है वो है मेंदोली ये वाला, और ये कोटा, ये भी शायद सुंदोला बाखल में ही आता है पूरा, इधर से। जो उधर वाले साइड का है वो है कुमाऊँ में आता है, गांव का नाम तो पता नहीं है पर कुमाऊँ में आता है ये। और मैं आज आपको मीटिंग के तो दिखा नहीं पाई कि क्या क्या हुआ, क्योंकि लोग थे ज़्यादा ही, तो इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई। तो वहाँ से हम आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर किनगोड़ी खाल में, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं वहीं पे थे, अभी पैदल ही जा रहे हैं, बहुत ऊपर है, थकान लग रही। अब मैं आगे चली गई थी, अब सर और पविता अब आ रहे हैं नीचे से, बहुत दूर है, बहुत पता नहीं कैसे। और फाइनली हम भी पहुंच गए हैं रोड पे, और यहाँ से जा रहे हैं हम कोटा पिंजोली ग्राम सभा में, और पहुँच ही गए हम सुंदोला बाखल से रोड पर। ये भैंस कैसा है और इसका बच्चा कैसा है, वो काला हो रखा है और ये हो रखा है गोरा। अब इसको ऐसे में मैं पहली बार ही देख रही हूँ ऐसे में इसको। यहाँ पे जो है वो है कोटा पिंजोली का छोटा सा गांव है यहाँ पे, तो हम यहीं गए थे और
फिर कुछ काम तो हुआ नहीं, फिर यहाँ से हम आ गए वापस। फिर हमने अपनी बहन के सखी के घर पे खाना खाया और फिर आ गए थे हम वापस। क्योंकि कुछ काम तो हुआ नहीं वहाँ पे, हम थोड़ी देर गए और फिर उसके बाद खाना खाया और वापस आ गए। तो देखते हैं अब दूसरा ट्रिप कब लगता है यहाँ तक। तो जब भी लगेगा तो आपको पूरा कोटा पिंजोली दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि गांव में सब अलग अलग हैं, गांव अलग अलग दूर दूर है, इस वजह से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को कि बड़े बड़े भी हैं और अलग अलग भी हैं, इस वजह से दिखा नहीं पा रही हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा सही है और ज़रूरत की चीज़ें सारी मिल जाती हैं। एक छोटा सा मंदिर है माता रानी का। पहुंचे कोटा पिंजोली से सीधा ग्राम पंचायत कोचियार में, और कोचियार में मतलब दीवा देवी है उसके नीचे है, ये एक गांव है, इसमें दो चार ही परिवार रहते हैं यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस कर रखा है माल्टे का, तो माल्टे के पेड़ में अनलिमिटेड लग रखे हैं माल्टे, इसमें हम दिखा सकते हैं आपको कितने सारे माल्टे लगे हुए हैं। तो अभी हम आपको जिनके माल्टे हैं उन बोड़ी जी से मिलाते हैं, और अकेले होने के कारण उन्होंने तीन तीन कुत्ते पाल रखे हैं, जिस वजह से मैं भी पहुंच गई डोलिया खाल में। और हो गया है डोलिया खाल में आते आते हो गया था अंधेरा, क्योंकि हम माल्टे तोड़ने पर लग गए थे तो अंधेरा हो गया था। तो देखिए आसमान में मस्त सी लालिमा छाई हुई है, क्योंकि सनसाइड हो ही गया है तो लालिमा छाई गई और अंधेरा भी हो गया। तो मैं ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मुझे हो रही है देर।